देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। जिन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब राज्य के उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, सरकार ने नागपुर शहर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। यानी किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। महाराष्ट्र में शुरुआत से ही कोरोना के मामले अधिक रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राज्य में इस साल एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 13,659 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि नागपुर में बुधवार को 1,710 नए मामले सामने आए थे। 173 दिन बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले एक दिन में आने का यह रिकॉर्ड है। नागपुर नगर निगम ने बुधवार को कहा था कि कोरोना के नए मामले महिलाओं और 20 से 40 आयु वर्ग के लोगों में आ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने कहा था कि लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। नागपुर नगर निगम के कमिश्नर राधाकृष्णन बी ने बुधवार को कहा था कि लोग महामारी को हल्के में ले रहे हैं। बिना उनकी मदद हम इस महामारी पर काबू नहीं पा सकते हैं। सरकार ने सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी है। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो हम लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया था। हालांकि वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।